मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज बड़े अफसोस और दुख की बात है और आज पता चल रहा है कि हमारी नातफाकी और नलायकी की वजह से आज कौम क्यों पिस रही है। आज इस घराने ने हमें फ़ोन किया और मैं सुबह ही इनके पास आ गया हूँ, तो बड़े अफसोस की बात हुई है कि ये बच्ची जो गेम खेलती थी, गेम खेलते खेलते जैसे आजकल गेमों के अंदर हो जाते हैं, जैसे दुआ जोरा वाला मामला हो गया, ये बच्ची का भी होगा और एक हिंदू लड़के के साथ इनका ताल्लुक हो गया और फिर वो लड़का जो है इसके ज़बरदस्ती मतलब के इस शादी के लिए कहता रहा। तो ये बच्ची ने कहा जी अब क्रिश्चियन हम नहीं है, शादी होगी, अब दोस्ती कर ली, अब दोस्ती भी क्यों की, लेकिन बच्ची से गलती हो गई। और उस बंदे ने क्या किया, जब ये बच्ची उसके मिलता था तो तीसरा बंदा इनकी मिलने की गुफ्तगू की वीडियो बनाता था। आप, मैं तमाम मसीही बहन भाइयों से अपील करता हूँ, खुदारा मैं अपनी बेटियों बहनों से अपील करता हूँ, खुदारा होशियार हो जाए क्योंकि जालम लोग जो है खड़े हैं। और आप देखें, एक हिंदू लड़के ने मतलब कि इसकी इतनी ज़रूरत की इनके घर पे आके इनको मारा पीटा और इनसे ज़बरदस्ती इनको क्या करके कपड़े फाड़े और इनको बंद करवा रहे हैं कि कह रहे हैं कि जी नहीं आप अगर नहीं करेंगे तो मैं इतनी दीदा दिल हम इतने कमज़ोर हो गए। और इस अख्तर कॉलोनी के अंदर लोग क्रिश्चियन, एक बंदा भी इनकी मदद के लिए नहीं आया, ये हम क्रिश्चियन लोग हैं। ये अफसोस की बात है कि हम अपने भाइयों के साथ भी नहीं खड़े हो सकते और गैर कौम को देखें, उनके गलत लोग भी होंगे, अपने लोगों के साथ खड़े होते हैं, हम अपनी बहन बेटियों के लिए भी नहीं खड़े होते। तो हम इस बहन के साथ हम खड़े हैं, हम इस बेटी को पूरा तहफ़ देंगे और नेशनल क्रिश्चियन पार्टी पूरी तरह इनको सपोर्ट करेगी और हम देखेंगे कि हम कोर्ट के अंदर इनको कैसे मारते हैं, क्योंकि ये कोर्ट में जब जाते हैं तो इन्होंने FIR लॉन्च करा, ये पुलिस भी इनका साथ है, बल्कि पुलिस भी इनको डराती धमकाती है। तो हम आला हुकाम से भी अपील करते हैं कि इस केस को जो है बिल्कुल टेस्ट केस समझा जाए। और मैं मसीही बहन बेटियों से फिर अपील करता हूँ, खुदारा ये वीडियो और ये जब बचें और ऐसे दोस्तियों से बचें, क्योंकि आपको पता नहीं कि सामने वाला क्या आदमी है, जैसे तस्वीर का पता नहीं चलता तो बंदा किस तरीके का है। इसलिए अपनी अपनी भी इज्जत बचाएं और अपने घराने की भी इज्जत बचाएं और कौम की भी इज्जत बचाएं। खुदावंद आप सबको बरकत दें।